आज की ये वीडियो लाइव होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। आइए हम वीडियो में देखते हैं कि प्रदेशवासियों देशवासियों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है। और समूह की महिलाएं वीडियो को जरूर आप देखिएगा क्योंकि आप सभी के काम की वीडियो होने वाली है। हार्दिक शुभकामनाएं। अब से कुछ ही दिन बाद देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और हम सब इस ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस की पुरजोश तैयारी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में तिरंगा ही तिरंगा छाया हुआ है। गुजरात का भी कोई कोना ऐसा नहीं है जो उमंग से भरा हुआ ना हो, और सूरत ने तो इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। आज पूरे देश का ध्यान सूरत पर है। सूरत की तिरंगा यात्रा एक तरह से लघु भारत के दर्शन हो रहे हैं। यहां शायद हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत में न बसते हो। और आज एक प्रकार से पूरा हिंदुस्तान सूरत की धरती पर तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हुआ है। और ये भी खुशी की बात है, समाज का हर वर्ग शामिल है। तिरंगे में जोड़ने की कितनी ताकत है ये आज सूरत में हम देख रहे हैं। सूरत ने अपने व्यापार कारोबार देश के वस्त्र उद्योग, देश की खादी और हमारी आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक रहा है। इस क्षेत्र में सूरत ने हमेशा से आत्मनिर्भर भारत के लिए आधार तैयार किया है। सूरत के वस्त्र उद्योग ने भारत की उद्योग भावना का, भारत के स्किल और भारत की समृद्धि का प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए ये तिरंगा यात्रा अपने आप में उस गौरव और प्रेरणा को भी समेटे हुए है। साथियों, भारत ने स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में गुजरात के गौरवशाली योगदान का अपना एक अलग ही स्वर्णिम अध्याय लिखा है। गुजरात ने बापू के रूप में आजादी की लड़ाई को नेतृत्व दिया। गुजरात ने लौह पुरुष सरदार पटेल जी से नायक दिए जिन्होंने आजादी के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत की बुनियाद रची। बारडोली आंदोलन और दांडी यात्रा से निकले संदेश ने